हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम करने वाले हैं एक आई लुक विच इज़ नवरात्रि मेकअप लुक। आई लुक मेनली होने वाला है ये। सो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। एंड सबसे पहले आई लुक को स्टार्ट करने के लिए मैंने फेस को अच्छे से कंसील कर लिया है विद द हेल्प ऑफ अ कंसीलर। देन इसके बाद मैंने अब यूज़ किया है एक शेड विच इज़ इन द ब्लू शेड। आप सी ब्लू शेड यूज़ कर सकते हो अपने पैलेट से। अगर आपके पैलेट में ये शेड नहीं है तो आप सिमिलर शेड्स भी यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद मैंने बीच में थोड़ा सा हेलो क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ कंसीलर। आप देख सकते हो मैं कौन सी मैं स्टिक कंसिस्टेंसी का यूज़ करती हूँ कंसीलर। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है इसको अच्छे तरीके से। देन मुझे एक्चुअली थोड़ी थोड़ी सी सर्दी हो रखी है, सो डोंट वरी, इट्स ऑल वेल। ओके, सो अगर सेकेंड आई लुक में भी हम लोग देखें तो मेरा कलर थोड़ा सा चेंज हो गया था, आप देख सकते होंगे फर्स्ट टाइम पे। तो इसको सही करने के लिए आपको क्या करना है, तो इसको सही करने के लिए मैंने यहाँ पे स्काई ब्लू कलर ज़्यादा दे दिया है। तो आप देखोगे कि ये स्काई ब्लू कलर जो है वो ठीक ठीक से आ रहा है, बिकॉज मेरे ब्रश में थोड़ा सा पिगमेंट रह गया था ग्लिटर का, तो दैट्स व्हाई येलो टर्न हो गया था। उसको ठीक करने के लिए आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। एंड देन मैंने फिर से हेलो क्रिएट किया बीच में। एंड मैं अब अपने ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड गोल्ड शेड। एंड देन इसके बाद मैंने आईब्रोज किए हैं। तो एक्चुअली मेरा एक ब्रश है फ्लैट ब्रश, तो वो थोड़ा सा उसके ब्रिशल्स जो है वो ख़राब हो चुके हैं, सो इसलिए एक्चुअली मैं वो कर नहीं पा रही, पर कोई बात नहीं, मैं उसे मैनेज कर लूँगी। एंड दिस इज़ द टोटल लुक। अब इंटरेस्टिंग पार्ट आता है कि मैंने इसका आईलाइनर किस तरीके से किया। तो आप लोगों को पता होगा सारी वीडियोज़ में मेरी आईलाइनर थोड़ी मोड़ी कभी कभी ठीक रहती है, बहुत सारी जगह पे वो टेढ़ी उबड़ी रहती है, तो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट, बट सी हाउ इट गोज। एंड इस बार मैंने यहाँ पे एक बहुत ही लॉन्ग आईलाइनर क्रिएट किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।